नमस्कार सभी को, तहे दिल से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखेगा। मेरा जो एसी वाले गाना पे आप लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दिए, उसी को लेकर हीटर लगवाइए नु देता हो तो हम लोग लेकर आए हैं। तो आप सभी के बीच में बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद और लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। आप सभी के बीच में एक मुखड़ा सुनाना चाहती हूँ। अभी वो रिलीज नहीं हुआ है तो आप सभी के बीच में थोड़ा सा तो गाना को लिखे हैं अजय भजपुरिया, गाए हैं अजय यादव सधुआ भैया, गाए हैं ड्यूट में हैं और अभी ने स्टूडियो से गाया गया है, तो होगा अनुराग एंटरटेनमेंट पे रिलीज। तो हम गाना का बोल है कि कहलू तरानी देनी ऐसी लगवाई, उसके आगे नहीं मालूम है, मेरा लाइन है, मेरा लाइन है एगो हमर अनुमान सा पूरा ये देत हो कि राजा जी एगो हीटर लगवाइए नु देत हो, राजा जी एगो हीटर लगवाइए नु देत हो। तो आप सभी के बीच में आने वाला है तो आप लोग एसी पे बहुत प्यार आशीर्वाद दिए, उसी का सेम लाइन है, वही गाना है। तो हीटर है, ठंडी चल रहा है, तो हाँ, उनके साथ में आया है, तो आप लोग से यही है के हिसाब से आप ही गाना चेंज करती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गाना आपका बहुत ही शानदार रहा। रागनी जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। इससे पहले आपका जो जीवन यापन हो रहा था यानी कि ढोल बजा के, आप पिछला जो शैली है आपकी जीवन परिचय उसमें क्या कहना चाहेंगे और इस समय का जो जीवन शैली है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम का जीवन ऐसा था कि रोड पे हम लोग हर जगह जाते थे, गाते थे, घर घर में, शहर बाजार में। इस टाइम है कि अभी एक फिलहाल एक अड्डा मिला है तो कुछ फर्क नहीं है, अच्छा है। अच्छा, काफ़ी आप काफ़ी इस समय मुकाम मत हासिल कर लिए ना? बस पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा, आप जो इस स्तर पर पहुँची हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है, आप किसका नाम लेना चाहेंगी? मेरे सर जी हैं दिवाकर सर जी, उन्हीं के बाद दौलत से हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक मुझे प्यार सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आज यहाँ नहीं रहती, आप लोग मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हैं और इतना पब्लिक मुझे नहीं देखता। उन्हीं लोग का प्यार आशीर्वाद, उन लोग का बाद दौलत है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उन लोग के बाद दौलत से हूँ। और उसके बाद मदद करने में मेरे सर जी सपोर्ट किए हैं, पूरा दिन तक लगाए हैं सपोर्ट, और उनका सपोर्ट करना, आशीर्वाद देना, आज जो भी कुछ हुआ आप सभी के बीच में हूँ। अच्छा, जो आपका हौसला बुलंद किए हैं वो दिवाकर सर हैं? हाँ। अच्छा, उन्हीं की बदौलत आप यहाँ तक पहुँची हैं? हाँ, एकदम। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे कि आपकी जो इस आप लड़की हैं, इस समय लड़कियों को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है एकदम, लेकिन आपके लिए मतलब क्या है ऐसा? मेरे लिए कि मैं इसी लाइन में रह के मुझे माँ बाप बहन भाई भौजाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, पहले कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था और इस टाइम सपोर्ट करते हैं मुझे अपना प्यार। इस समय क्या वजह है कि आपको सपोर्ट करते हैं, पहले सपोर्ट नहीं करते? पहले का बात ऐसा था कि पहले हम लोग उतना जानकारी नहीं था, ठोप पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग को वो गलत लग रहा था। अब नहीं बताना चाहती हूँ, अगर जो बोलूँगी तो लोग वही करना चालू कर देंगे, जो मन में डर है वो पैदा हो जाएगा लोगों के बीच में। तो उन लोग को वो भावना था कि मेरी बेटी को ऐसे कर देंगे लोग, ऐसे कर देंगे लोग, तो वो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। आज जब धीरे धीरे उन लोग को जानकारी होता गया, मैं समझाते गई कि मुझे इस लाइन में आना है, ये मेहनत करना है और मुझे बहुत आगे जाना है, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तभी जा पाऊँगे। अगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, और माँ बाप का सपोर्ट मिला तो जान लिए कि आप अमर हैं, आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे आप अपनी आप सपोर्टिंग में चली जाएंगे। तो यही बात है, तो वो लोग पहले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप एकदम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको बाहर निकलने में इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई मतलब सामना नहीं करना पड़ता है ना मुसीबत का? नहीं,
मुझे कोई नहीं, मैं ऐसे काम ही नहीं की हूँ तो भाई कहला कोई मुझे पंगा करेगा। बस यही है कि आती जाती हूँ, स्टूडियो में गाती हूँ अपना। हर बहुत बहुत धन्यवाद तीनों चैनल को।